हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। गाइस, हम पहुंच गए हैं दिल्ली और ये मेरे दोस्त जाने वाले हैं, तो मैं विदाई दे रहा हूँ। तो भाई मेरे ब्लॉग को देखते रहेंगे। पानीपत और अम्बाला का फेमस छोले कुलचे, एक प्लेट छोले कुलचे देना। कुलचे देने सर, भटूरे देने? कुलचे कैसे प्लेट? 30 का प्लेट। 30 रुपये प्लेट, इतना सस्ता। प्याज डाल दो सर। तो गाइस, मैंने लिए हैं छोले कुलचे, अम्बाला के फेमस हो छोले कुलचे। नाश्ते में आज छोले कुलचे ही खाएंगे। बाय बाय। हाय गाइस, मैं पहुंच गया हूं लुधियाना, जो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना। हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं जलंधर। अब यहां से ट्रेन छूटेगी सीधा पठानकोट। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं पठानकोट। अब यहां से सिम बंद हो जाते हैं पठानकोट से, आगे आएगा कठुआ, उसके बाद सिम बंद। हाँ, अगर आपका पोस्ट पेड सिम है तो वो यहाँ पे वर्क करेगा, तो आपका नेटवर्क नहीं जाएगा और अच्छा नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी आइए पोस्ट पेड सिम लेकर ही आइए। गाइस, जम्मू तक सफ़र बहुत अच्छा कटा। ये देखो, ये भैया साथ में थे, बातचीत करते करते बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे, ये वीडियो आप कल देख सकते हो। तो अब इसके आगे और है 2-3 घंटे, तो शाम को 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ जम्मू स्टेशन पे, और यहाँ पे देखिए क्या नज़ारा है जम्मू का। बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ आती हैं यहाँ, और ये लास्ट स्टॉप है, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो कटरा तक जाएगी। तो पहुँचते हैं कटरा। जय माता दी। यार, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे।
राधे, क्या देख रहे हो? गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा सा इस वीडियो को देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा। गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। माता जी का आशीर्वाद लिए हुए बहुत टाइम हो गया, तो दर्शन करना ज़रूरी है। मिलते हैं आपको शाम को कटरा में। गाइस तो मैं पहुंच गया हूं अभी उधमपुर, और ये उधमपुर तक ट्रेन आती है। यहां से आप टैक्सी करके बनिहाल तक जाएंगे, बनिहाल से फिर ट्रेन जाती है कश्मीर तक। तो आप कश्मीर जाने का यहां तक ट्रेन से रास्ता है, उसके बाद फिर टैक्सी का या बस का, और फिर ट्रेन से रास्ता है। तो आप उधमपुर तक आराम से पहुंच सकते हैं। कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। गाइस यही है माता जी का त्रिकुटा पर्वत। तो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं कटरा स्टेशन पे, माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और एक माता जी झांक रही है। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कटरा, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कल करेंगे हम लोग। अभी यहाँ से निकलेंगे, चेकिंग होगा, आरटीपीसीआर चेकिंग होगा, उसके बाद बाहर निकलने दिया जाएगा और फिर हम जाएंगे होटल में। तो गाइस हम लोग उतर चुके हैं, और ये देखिए कटरा स्टेशन कितना है, साफ सुथरा, और कुछ हमारे दोस्त मिल गए हैं तो साथ में ही निकलेंगे हम लोग। तब तक आपको मैं दिखाता हूँ स्टेशन कटरा का। तो गाइस ये देखिए ये लाइन लगी हुई है, जिन्होंने आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं लाई है या फिर सिंगल डोज वाले लाइन में लगे हैं, इनको पूरा चेक करके तभी जाने दिया जाएगा।
तो लाइन काफी बड़ी है यार। ओहो, आई थिंक बहुत टाइम जाने वाला है, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से तो गुजरना ही होगा। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हम सब लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ही लंबी लाइन है, हमारे पीछे भी बहुत लंबी लाइन है। तो बाहर निकलने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा जाए, देखते कितना जाएगा, अंदाजे से मैंने बताया। गाइस, ये जो लाइन है वो सर्टिफिकेट वाले हैं, जिन्होंने 2 डोज लगा लिए हैं या फिर उनके पास RT-PCR सर्टिफिकेट है उनके, और ये वाली लाइन सिंगल डोज या फिर विदाउट RT-PCR। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है, कितना टाइम लगेगा। तो फाइनली गाइस, हम निकल के आ गए हैं बाहर, कटरा स्टेशन के बाहर, और अब हम जाएंगे होटल। तो गाइस, बहुत टाइम लगा है इन लोगों ने लाइन में खाली पकड़, कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आप, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, माता रानी आपके सारे मनोकामना पूर्ण करे, जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूं, किसके थ्रू बुकिंग हुई है वो अभी कंफर्म करने वाले हैं, उसके बाद मुझे रूम देंगे। आह, मास्क लगा लो चालो। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच रहा हूं अपने रूम में, और रूम नंबर क्या है? 209। हेलो गाइस, तो मैं हो गया हूँ नहा धो के तैयार, और आपको दिखाना चाहूँगा मेरा रूम, देखेंगे, दिखाता हूँ मैं। ये है हमारा डबल बेड, और ये एक टेबल है, और बैठने के लिए सोफा है, और ये उसका बैकग्राउंड है, बहुत ही अच्छा। रूम में एक फ़ैन है, क्योंकि यहाँ पे खास करके ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम। सो गाइस, ये देखिए बाथरूम कितना बड़ा है, देखिए, और गीजर लगा हुआ है। गाइस, अगर आप कभी भी माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आओ, तो अगर आपको होटल में रूम बुक करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं इस होटल का नाम आपको दे दूंगा। और अगर आप इंस्टा पे मेरे साथ चैट करते हो तो मैं आपको पूरा सजेस्ट करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा इस होटल के लिए, बहुत ही अच्छा होटल है। तो मैं इंस्टा पे आपको नाम बताऊंगा, वीडियो पे नाम नहीं बता सकते। तो गाइस, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, लाइट से जगमगा रहा है, यही है माता जी का, यही से आपको चढ़ाई करनी है, क्या सुंदर नज़ारा है। गाइस, ये है यहाँ का फूड पॉइंट, आप यहाँ पे खा सकते हो छोले भटूरे, मैगी और बहुत कुछ। ये यहाँ पे आप अपने बजट में खाना खा सकते हैं। और ये कुल्फी वाले भैया, खाने के बाद मीठा पान, ये देखिए यहाँ पे आप आके मीठा पान खा सकते हैं। ये है कटरा का चौक, और मैं यहाँ से आपको पूरी रौनक दिखाता हूँ, ये देखिए। गाइस, ये है कटरा का बस स्टैंड, यहाँ से बहुत सी जगह पे बसें जाती हैं,
और ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, यहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है। तो यहाँ से जब आप चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई करने से पहले यहाँ से यात्रा पर्ची लेना ना भूलें, नहीं तो आपको पहले ही चेक पोस्ट से वापस आना पड़ेगा। तो गाइस प्लीज़ जब भी आप आते हैं तो पर्ची ज़रूर ले लीजिए। जय माता दी। ठीक है, यात्रा पर्ची केवल बाणगंगा चौकी पार करने के लिए जारी है, उन्हीं के लिए 6 घंटे तक ही वैध है। तो यात्रा पर्ची का टाइम टेबल 5:00 से 10:00 तक। हम आज खाने का मज़ा लेंगे कुलचे छोले का, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं जब भी आता हूँ कुलचे छोले ज़रूर खाता हूँ। तो आप भी जब यहाँ पे आए तो एक बार टेस्ट ज़रूर लें कुलचे छोले का। जी बोलिए। जय माता दी। ये प्रोसेस है इनका बनाने का। तो गाइस अभी मेरी शॉपिंग हो चुकी है और मैं निकल रहा हूँ मेरे होटल के लिए। काफ़ी दूर है यार होटल मार्केट से, मार्केट अलग है होटल अलग है, मतलब कुल 10-15 मिनट का रास्ता है। मैप पे दिखा रहा था 8 मिनट। गाइस यही है मेरा होटल, देख सकते हो आप। तो गाइस मैं अब थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सफ़र करके आया हूँ, और मैं अब आराम करूँगा और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।